आज का इंडिया जो है इससे काफी डिफर है। कमजोर लोग बहुत खेमेबाजी करते हैं, जो ताकतवर होता है उसे खेमे की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया का जो रोल है वो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन इंडिया इन चीजों को लेके क्या सोचता है ये चीज समझते हैं। हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे मल्टीपोलरिटी की। देखिए वर्ड चल रहा है काफी ज्यादा और इस तरीके की वर्ड्स काफी यूजफुल हो जाते हैं प्रिपरेशन में, क्योंकि ये कई चीजों को समेटे हुए होते हैं। और जब इसकी इस तरीके के वर्ड्स को आप हिस्ट्री से लेके और प्रेजेंट तक समझ ले जाएंगे तो आपको कई कॉन्सेप्ट एक साथ आपके साथ समअप होते हैं। इसी तरीके की बातें हैं। मल्टीपोलरिटी को लेके एक डिबेट चल रही है कि क्या है बेसिकली मल्टीपोलरिटी। इस चीज को जानने से पहले थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरुआत होती है यूनिपोलर से। यूनिपोलर का मतलब होता है कि एक ही जो कंट्री है वो कंट्रोल कर रही है पूरे के पूरे वर्ल्ड को। द सिचुएशन इज नोन एज यूनिपोलर। ये मेनली स्टार्टिंग की बात है और इससे यूएसए को रिप्रेजेंट करने वाली बात की जा रही है। ये कहानी है 19th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तब से लेके और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की सिचुएशंस के बीच का ये कॉन्सेप्ट है। ये यूनिपोलर का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। सेकेंड थिंग इसके बाद आएगी बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब होता है कि जब दो जो कंट्री होंगी, अब इसमें यूएसए के साथ यूएसएस हो जाता है और इसको हम आज के दौर में सिंपली रसिया भी बोलते हैं। 1991 में ब्रेक हो गया था और फिर ये रसिया के नाम से ही जाना जाता है। बाईपोलर में क्या हुआ कि वर्ल्ड जो है दो ऑर्डर में ब्रेक हो गया। एक साइड में राइट विंग या कह लीजिए यूएसए या वेस्ट का एक दबदबा था और दूसरे साइड जो लेफ्ट का कॉन्सेप्ट था वो था और जिसको यूएसएसआर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था। बाद में 80s के बाद एक और आपको मोमेंट देखने को मिलेगा और फिर चाइना का ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे चाइना आगे बढ़ता चला जाएगा और चाइना के लिए एक ऑप्शन इसलिए भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि यूएसएसआर 1991 में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद यूएसएसआर की जो पोजिशन है वो ऑलमोस्ट चाइना ऑक्यूपाई कर जाता है। तो यहाँ से चीजें चल रही होती है और इसीलिए अभी की सिचुएशन में इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया क्या चीजों को देखता है। मेनली अगर हम मल्टीपोलरिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो एक चीज देखेंगे कि एक तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा और किसके खिलाफ, अगेंस्ट यूएस एंड कलेक्टिव वेस्ट के खिलाफ। कलेक्टिव वेस्ट स्पेशली यूरोपीय यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है और कोई इसमें नहीं आता। तो वहीं से तो यूरोप और जो यूएसए है दोनों मिलके पॉलिटिकल जो थॉट आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में अगर कोई जा रहा है तो वो उसका मल्टीपोलरिटी के कॉन्सेप्ट में बात रखी जाती है। ये एक डिबेट है, एक थॉट है। इसी तरीके से एक सिमिलर वर्ड है जो काफी ज्यादा न्यूज में है, वो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। उसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, तो वो भी अलग चीजें हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली चाइना की शुरुआत। और चाइना जब जैसे ही आता है तो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होता है कि एशिया के अंदर भी ऑप्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इन सारे सीन में एक चीज बहुत साफ दिख रही है कि इंडिया का जो रोल है वो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन इंडिया इन चीजों को लेके क्या सोचता है ये चीज समझते हैं। देखिए इंडिया ने हमेशा इस कॉन्सेप्ट को रिफ्यूज करा था। इंडिया ने कभी भी किसी भी वर्ल्ड पोलर को कभी भी मान्यता नहीं दी और इसी वजह से इंडिया के ऊपर तमाम तरीके के चैलेंजेस और सैंक्शंस लगाए गए, तमाम तरीके से डिप्लोमेटिक रूट्स यूज किए गए, परेशानियां क्रिएट की गई। लेकिन इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी जो भी स्ट्रेंथ थी, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसको यूज करते हुए सिचुएशन को टैकल करा। कुछ एक जहां जिसकी जरूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग हमने एक ऑप्शंस भी हेल्प भी ली। लेकिन ये तब का दौर था जब इंडिया एक तरीके से बहुत वीक कंट्री के रूप में आता था। इंडिया नया नया आजाद हुआ था, इंडिया की सिचुएशन बहुत ही हर एरिया में देखें तो आपको एक कंसर्न देखने को मिलेगा। एजुकेशन में हम बहुत अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फूड को लेके कंसर्न थे, तो हमारे पास जब बेसिक चीज़ें ही नहीं है तो फिर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर जा ही नहीं सकते, कोई नई डेवलपमेंट एक्टिविटी कर ही नहीं सकते धीरे धीरे। लेकिन आज का इंडिया जो है इससे काफ़ी डिफर है और आज का जो इंडिया है थॉट प्रोसेस वही है। अभी भी हम एक तरीके से जियो इकोनॉमिक जो सुपर पावर बनने वाले कॉन्सेप्ट में हम जा रहे हैं। मेनली चाइना के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप देखेंगे, आईआर पढ़ेंगे तो वहां यूज किया जाता है। अभी जो इंडिया है वो इस तरफ बढ़ रहा है और अभी भी वो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिफ्यूज करता है। इंडिया ने इसके इतर एक कॉन्सेप्ट दिया और इंडिया ने कहा कि हमारा जो थॉट है, हमारी जो चीजें हैं, हम किसी पोलर को मानते ही नहीं। किसी पोलर के कॉन्सेप्ट को हमने डिनाई कर दिया और हमने क्या किया कि हमारा एक थॉट प्रोसेस रहेगा।
तो हम किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूएसएसआर हो। और आज की सिचुएशन देख लीजिए, G20 हमारे यहाँ हुआ, संघाई का SCO की मीटिंग्स चल रही है, G7 से रिलेटेड बातें चल रही हैं, दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमी है पूरी तरीके से इंक्लाइन है इंडिया के ऊपर, और पूरी चाहे वो यूएसएसआर हो, यूरोप हो या रसिया हो या चाइना हो, आप ये देखेंगे कि इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर सब कोई अपने अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखता है, लेकिन इंडिया किसी भी प्रेशर को मानता ही नहीं। इंडिया का अपना सीधा सा स्टैंड है, और यही रीजन है कि वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का एक अलग नेम है। आज का जो इंडिया है वो बहुत ही अलग है, और इसीलिए मल्टीपोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा वाइडर एंगल को पे जा रहा है। लेकिन इंडिया इस चीज से इत्तफाक ही नहीं रख रहा, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है। अच्छा, हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक चीज और देखने को मिलेगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू रही, मींस एक लीडर ने छोड़ दिया तो दूसरा लीडर जब आते हैं तो उसी को आगे वो कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने उसको रिफ्यूज नहीं करा, उन्होंने और डायमेंशन और कंट्री के साथ रिलेशन बनाए, लेकिन जो चल रहा था उसको कंटिन्यू रखा। ये बहुत बड़ी चीज है एक डेमोक्रेसी में, जहां अलग अलग थॉट प्रोसेस से अलग अलग पार्टीज आती हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा, अलग अलग उनकी सोच है, वहां इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सुपर पावर की तरफ हम अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो हमारी साइंस एंड टेक के अंदर है, जो हम देखें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, या इसरो या DRDO की जो आपके रोल देख लें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ पॉलिटिकल विल, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी क्लियरिटी, हमारी विजन की क्लियरिटी बहुत क्लियर है। हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, लेकिन हमने किसी के सामने झुकना भी नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। और इस वजह से कई बार आप देखिए कि इस समय इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जिस ऑयल को लेकर हम एक समय परेशान हुआ करते थे, हमारे ऊपर तमाम तरीके सेंसर्स लगाए जाते थे, आज उसी यूरोप और उसी यूरोप को हम अपने यहाँ से ऑयल दे रहे हैं, वो भी तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो मिलिट्री वाइज भी देख लीजिए, वहां भी हम चीजों को बहुत अच्छा करके चल रहे हैं। अभी GDP की ग्रोथ रिपोर्ट को आप देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतर चल रही है, जितना सोचा गया उससे बेहतर हम चीजें करते जा रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया मल्टीपोलर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने हिसाब से मानता है, और हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हम किसी खेमे के नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। हमारा अपना एक खेमा है और वो है सही का खेमा, जो हमारे अकॉर्डिंग सही होगा हम उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम किसी के साथ खेमेबाजी नहीं करेंगे। वैसे भी एक फ्रेज है, कमजोर लोग बहुत खेमेबाजी करते हैं, जो ताकतवर होता है उसे खेमे की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।